भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। वे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। हरियाणा के एक गांव से भारतीय खेलों के सबसे बड़े सितारों के नाम दर्ज कराने तक का गोल्डन बॉय का सफर काफी गौरवमय रहा। पहले ओलंपिक में गोल्ड, डायमंड में गोल्ड और अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड। नीरज चोपड़ा ने भारत को खेलों में भी चांद पर पहुंचा दिया है। भारत की आन बान और शान कहे जाने वाला यह एथलीट जब क्वालिफाई में टॉप पर आया तो हर किसी को उम्मीद थी कि पिछली बार की कसर इस बार पूरी होगी। हुआ भी यही। नीरज ने 88.17 मीटर का थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप को 40 साल के इतिहास में गोल्ड मेडल जिताने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की जेवलिन थ्रो में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ यह उपलब्धि हासिल की। आपको बता दें कि जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए कुल 12 एथलीट्स ने क्वालिफाई किया था। इनमें नीरज समेत 3 भारतीय भी शामिल थे। नीरज चोपड़ा के अलावा भारत के किशोर जैना इस प्रतियोगिता में 5वें स्थान पर रहे। उन्होंने 84.77 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। डीपी बनु 84.14 मीटर के थ्रो के साथ 6वें नंबर पर रहे। गौरतलब है कि नीरज चोपड़ा ने फाइनल में प्रवेश कर पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए पहले ही क्वालिफाई कर लिया है। नीरज चोपड़ा का पहला प्रयास फाउल रहा। इसके बाद दूसरे में उन्होंने 86.32 मीटर, 84.64 मीटर, 87.73 मीटर और 83.98 मीटर के थ्रो फेंके। वहीं दूसरे नंबर पर रहे पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर के सत्र के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता। चेक गणराज्य के याकूब वालेश ने 86.67 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। विश्व चैंपियनशिप में यह पहली बार हुआ कि शीर्ष 8 में 3 भारतीय रहे। वहीं नीरज चोपड़ा के नाम खेल के सारे खिताब हो गए। उन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर भारत का नाम एक बार फिर से रोशन कर दिया। पूरे भारतवासियों को उन पर गर्व है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।